3,600 स्क्वायर किलोमीटर पे पूरा कराची है, कहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ह्यूमनली इट्स एन इम्पॉसिबल कि हम जाकर वहां पर चीजों को फिजिकली देख सकें। कोई नया सिस्टम नहीं है, दुनिया का लेटेस्ट सिस्टम है जो कि दुनिया में और जगहों पे यूज हो रहा है, हमने उसको कट एंड पेस्ट किया अपने एनवायरमेंट पे। 36 किलोमीटर के ये दो कॉरिडोर हैं जिसको हमने जो है अभी एज अ मॉडल हमने इसको यहां पर बनाया है, और इसको हमने इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ली है, डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास वायमैक्स की 4.9 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है किसी भी इदारे के पास। ये जो सेलुलर फोन है उनके पास 3.5 मेगा गीगाहर्ट्ज़ की, हमारे पास 4.9 गीगाहर्ट्ज़ की डेडिकेटेड है। सो वी आर नॉट राइडिंग ऑन समबडी एल्सेस नेटवर्क, ये हमारा अपना नेटवर्क है डेडिकेटेड, जो कि हमें लाइसेंसिंग जिसकी हुई हुई, और इसका बैकअप हमने दिया है फाइबर ऑप्टिक्स से। तो अगर हमारा वायमैक्स डाउन होता है तो हम फाइबर ऑप्टिक्स जाते हैं। अमेरिकन एंड यूरोपियन टेक्नोलॉजी है जिसको जिनके इंजीनियर्स ने आकर इनको इंस्टॉल किया है, ट्रेन किया है, और ये वो लोग हैं जो डेडिकेटेडली जो है वो यहां पर इसको कर रहे हैं। दो कॉरिडोर हमने पहले कंसीव किया और इसको हमने जो है वो लूप पे लेकर आए, और उन दो कॉरिडोर का भी हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट फेज आप ये देख इस स्क्रीन को अगर आप देखेंगे तो इस पर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो चल रही होगी। नेक्स्ट सर, ये इसमें जो है वो 10 ईयर्स ऑफ लाइन आर्काइविंग स्टोरेज ऑफ फुटेजेस, हम 10 सालों तक इसकी जो है वो आर्काइविंग कर सकते हैं। राइट नाउ एक महीने तक का डाटा आपको निकल सकता है, एक महीने तक की तमाम मूवमेंट आपको पता चल सकती है, एंड इफ वी वांट टू आर्काइव दोस डाटा वी कैन हैव इट फॉर 10 ईयर्स टाइम। और अभी आपको स्टोरेज दिखाऊंगा। एलपीआर लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन ये हो सकती है, आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, फेशियल रिकग्निशन इसके ऊपर जो है इंक्लूड होगा, नादरा का डेटा बेस इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा सारा, एक्सपेंशन ऑफ कैमराज नेटवर्क फ्रॉम एयरपोर्ट टू टावर थ्रू आई चंडीगढ़। ये मैं आपको नेक्स्ट फेज की बात बता रहा हूं, नेक्स्ट फेज में हम ये करेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क फ्रॉम एयरपोर्ट से लेकर टावर तक थ्रू आई चंडीगढ़ रोड, जो हमारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सारा। हमेशा हमें ये कंप्लेन मिलती है कि फॉरनर आया और वो एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो है वो रास्ते में शारा फैसल पे लूट गया, और वो उसको टैक्सी वाले ने उसको छीन लिया, या और चीजें हो गई हमेशा। तो वी कैन मॉनिटर दैट फॉरेन फ्लाइट और फॉरनर्स ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट टिल होटल मेट्रोपोल तक और पीसी तक और शेरटन तक, हम उसको जो है वो ट्रैक डाउन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें बाघ अमन कासिम को हम इसमें लूप में ले रहे हैं, बाघ अमन कासिम पे लोग जाते हैं। एमएजिना रोड का नया प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी रोड को लेंगे और सुरजानी चौरंगी से ये जो 5000 रोड हमारा सुरजानी चौरंगी से लेकर गुरु मंदिर तक, इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ये आपको मैं आपको बताऊं कि ये वो जगह है, ये कारसाज है, यहां से ये फर्स्ट कॉरिडोर हम इसको कहते हैं, एंड दिस इज द साइट लिमिटेड। तो ऑल द वे फ्रॉम कारसाज टिल साइट लिमिटेड, जो साइट का टाउन है, जो हबीब बैंक की जगह है, हबीब बैंक चौरंगी, ये 13 किलोमीटर तो जो है वो ये है, जो ये पूरा ये आपको हमने इसको अपने लूप में ले लिया है। Now all these lives footages are coming from that corridor one. We call it corridor one. अभी मैं आपको इसकी जो है वो real demonstration दूंगा. And this is corridor two from Dig Road till Nagan Chaurangi and all the way till Suryani. This is our second corridor जो कि राशिद मिन्हास होता हुआ पूरा सुराब गोड राशिद मिन्हास नागन चौरंगी और वो जाकर सुरजानी चौरंगी तक। तो ये दो corridors जो है इस वक्त हमारे पास live है, ये हमारा वो model है, ये live है हमारे corridor। अब हमारा expansion plan क्या है? This is the एयरपोर्ट, शारा फैसल ही आ रही है, ये ऑल द वे हम एयरपोर्ट से शारा फैसल पूरा
और ऑल द वे आई चंडीगढ़ रोड हम इसको करेंगे अपने नेक्स्ट फेज में। इसके अलावा ये एम एच जीना रोड जा रही है ऑल द वे, और ये यहां से सफूरा गोट यूनिवर्सिटी रोड होते हुए सफूरा गोट जा रही है, हम इसको करेंगे, और फिर ये ऑल द वे फिर एम एच जीना रोड जा रही है सुरजानी चौरंगी तक। तो आपके सारे ये शारे पाकिस्तान सोराब गोट से लेकर गुरु मंदिर तक, सुरजानी से लेकर अगेन गुरु मंदिर तक टावर तक, और अगेन उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड सफूरा गोड से लेकर गुरु मंदिर तक। तो ये पूरा फिर आपका हमारा ये नेक्स्ट फेज है सेकंड, ये दो हुए हैं अभी और ये लूप्स हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, कैमराज ऐड करने और यहां पर स्क्रीन जो है वो हमें ऐड करते हमें चले जाना है यहां पर स्क्रीन जो है वो। नेक्स्ट, ये हमारी सात एंट्रीज हैं शहर की। इसमें डेफिनेटली जो है वो पुलिस के साथ अभी हमारा उस तरह लेवल का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, तो हम ये सात एंट्रीज हैं जिसपे हम फेशियल रिकॉग्निशन, गाड़ियों की रिकॉग्निशन, एंट्री एग्जिट सारी चीजें जो है वो हम इसको कर सकते हैं। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस विद द नादरा एंड एवरीथिंग, और डेटाबेस से हमारा जो इसके अंदर जो है वो लूप हमारा इसमें आ जाएगा। सर यहां पे आपको हमसे 8 से 9 मिनट की हम रियल फुटेजेस दिखाते हैं जो कि हमने वैसे ही ली है इस इन सारे पूरे कॉरिडोर्स पे। अगर हम इसको किसी को फोकस हम देखते हैं कहीं पे अनयूजुअल कोई एक्टिविटी हो रही है तो दे कैन ब्रिंग इट ऑन टॉप and they can bring it on their own terminals as well, and here is the control remote, they can maneuver that those cameras or focus bhi kar sakte hain, aur wo hum number plate bhi dekh sakte hain, hum jo hai wo facial recognition bhi kar sakte hain aur bhi close kar sakte hain isko exactly us pe, abhi aapko main ek dikhaunga jis pe aap exactly wo number plate dekh rahe honge, ye dekhen ye ek scene hai ye sara, and here we can even recognize the face and focus kar sakte hain, aur wo ये वही वो ब्राइब ली जा रही है और बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे, और इसमें वो बाकायदा चेंज भी देते हैं निकाल कर वापस। तो वी कैन फिक्स दोज पीपल बाय आई मीन इफ पुलिस ऑफिसर्स आर हियर तो दे कैन फिक्स दोज पीपल कि जी ये कौन है रिस्पॉन्सिबल, और अगर ये इनको पता होगा कि इनको देखा जा रहा है तो ये शायद ये हरकत हो भी ना। ये रात का सीन है जहां पर लाइट गई हुई थी सर, शफीक मोड़ का सीन है ये, शफीक मोड़ का सीन है जहां पर लोग लाइट जाने के बाद जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं, एंड ये शफीक मोड़ का सीन है ये सारा, आग वाग जलाई उन्होंने सारा। हमने फिर यहां से जो भी मैं आपको सिस्टम दिखाऊंगा जो इनफॉर्मल पुलिस का सिस्टम हमारे साथ काम कर रहा है, तो वो सिस्टम हमारे साथ काम करता है अभी इनफॉर्मल। फिर वहां पे पुलिस मोबाइल पहुंची और फिर लाइट आ भी जाती है थोड़ी देर में, और हम यहां से उनको जो है वो तमाम इंतजामिया को इन्फॉर्म कर रहे थे। ये देखें एक लेफ्ट ये रॉन्ग एक गाड़ी है ग्रीन कलर की हाईरूफ, आप देखेंगे रॉन्ग जा रही है, इसको आगे से पुलिस मोबाइल रोकती है और उसमें फिर वो बैठ कर आते हैं। ये रॉन्ग है सोराब गोट का सीन है, ये रॉन्ग जा रहे हैं और उसको फिर लेकर आते हैं ये वापस, और पूरी ट्रांजेक्शन इसके ऊपर होती है। यहां पे पकड़ लिया उसको वहां पे, अब ये रॉन्ग जा रहा था यहां पे, एंड ही कुड बी एनीबडी, आई मीन ही कुड बी टेररिस्ट, ही कुड बी एनीबडी। अब यहां पे ये अफसर हैं जो ये आते हैं आकर बैठेंगे मोबाइल पे, और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन सारी जो है वो होती है यहां पे। ये हम इसको फोकस कर सकते हैं, आई मीन हमें मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली डील करना चाहें तो मतलब पुलिस अफसरान जो है बाकायदा उनको शो कॉज के साथ तस्वीर